हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 22 नवंबर। 22 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले, इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो कि करंट अफेयर्स हर एग्जाम में जो कि इंपॉर्टेंट हो जाए, यहाँ से जो कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC, रेलवे, UPSC, PSC, पुलिस, कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष को 2022 में प्रतिष्ठित यहाँ पे JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो खालिद जावेद, जावेद खान, परवेज खान, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए जो कि प्रतिष्ठित JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, जावेद आपके खालिद जावेद को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ पे जो JCB साहित्य पुरस्कार है इसके बारे में क्या है जानते हैं। तो ये JCB जो प्राइज 2022 है, यह हर साल जो कि एक भारतीय लेखक को जो कि प्रदान किया जाता है। और इस साल का जो प्रतिष्ठित JCB साहित्य पुरस्कार जो कि खालिद जावेद को दिया गया, इसमें आपके और 6 भी जो कि यहाँ पे हिंदी, नेपाली और यहाँ पे बंगाली, मलयालम और कई भाषाएं हमें जो कि रखती हैं, जो कि इसमें JCB प्राइस देता है। 2022 में जो कि आपके जो खालिद जावेद हैं, जो कि इनको प्रतिष्ठित JCB आपका जो कि साहित्य पुरस्कार दिया गया है, इसमें मुख्य रूप से जो आपके जो विजेता होते हैं, इसको यहाँ पे 25 लाख की यहाँ पे राशि प्रदान की जाती है। जो विजेता रहते हैं इसको 25 लाख रुपये की जो कि यहाँ पे राशि प्रदान की जाती है। तो इस साल 2022 में उनकी जो खालिद जावेद के जो साहित्य पुरस्कार, उनकी जो कि 2022 में साहित्यिक घटना लेखक जो कि साहित्यिक घटना पर जो लेख लिखे हैं लेखक जी खालिद जावेद को, इनको इनकी किताब द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए इनको साहित्यिक 2022 के लिए JCB पुरस्कार जो कि प्रदान किया है। याद रखिए इनके जो खालिद जावेद हैं, इनके जो बुक है द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए इनको साहित्य 2022 के लिए JCB पुरस्कार इनको दिया गया है। साथ ही साथ इनको 25 लाख रुपये के जो कि राशि भी इनको प्रदान की जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कतर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, सही ऑप्शन हो जाएगा कतर। तो हाल ही में 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आपके कतर में जो कि हुआ है, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जो कि पूछे ही जाते हैं। तो 22वें जो कि क्रम का यहाँ फुटबॉल विश्व कप है, जिसका उद्घाटन अभी कतर में किया है। तो कतर की बात करें, यहाँ की राजधानी है दोहा, यहाँ की जो कंट्री आती है आपके मिडिल ईस्ट में कंट्री आती है, यहाँ की जो लैंग्वेज है अरबिक, यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, और यहाँ के जो आम बोलचाल में इंग्लिश जो लैंग्वेज यहाँ पे चलती है कतर में। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है खालिद बिन खलीफा, जो कि कतर के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन कतर में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? तो 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 नवंबर को हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 नवंबर, याद रखिएगा, जो कि विश्व भर में इसको जागरूक करने के लिए सभी को, जनता को टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 स्वर्ण पदक सहित कुल 237 पदक के साथ लगातार दूसरे साल शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा। तो जी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। तो हाल ही में जो मणिपुर राज्य है संपन्न पूर्वोत्तर जो ओलंपिक खेलों में जो कि इन्होंने जो मणिपुर है 85 स्वर्ण पदक सहित यहाँ पे कुल 237 यहाँ पे पदक के साथ लगातार यह दूसरे साल भी यहाँ शीर्ष स्थान हासिल किया है मणिपुर राज्य, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम मणिपुर की राजधानी ही इम्फाल। एन बीरेन सिंह वर्तमान में यहाँ के CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, और श्री ला गणेशन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। याद रखिए मणिपुर भी इस साल भी दूसरे स्थान, जो कि हर साल पहले साल और दूसरे साल भी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा,
पंजाब, हरियाणा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने यहाँ पे अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। तो आइए समझते हैं जो अमर सरकार पोर्टल के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या है ये। तो अमर सरकार मुख्य रूप से तो अमर जो अमर सरकार है त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा जी, इस योजना या इस पोर्टल को जो कि इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो कि सभी केंद्र और राज्य में जो कि प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे पर हर लोगों को पहुंचने तक लोगों को यहाँ पे लोगों को जागरूक करने की, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जितने भी योजनाएं हैं हर लोगों तक पहुंचे, हर घर के द्वार में पहुंचे, इसका लाभ ले सके सभी समाज के लोग सभी जो ने, इसलिए इस उद्देश्य से जो अमर सरकार पोर्टल को त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा जी, इनको जो कि लॉन्च किया है। और यह इस योजना के तहत जो कि सरकार के पीछे एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए इस पोर्टल को भी मुख्य रूप से लॉन्च किया है, जो कि सभी लोगों तक जो कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार का योजना हो घर तक पहुंची, इसका सभी जने लाभ उठाए। इस उद्देश्य से इस अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने राज्य में हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए एक अधिक विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है। तो कौन से राज्य है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो तमिलनाडु राज्य सरकार ने यहाँ पे जो कि वन विभाग के राज्य में यहाँ पे हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और वहाँ के हाथियों की निगरानी के लिए यहाँ पे एक विस्तृत और पारदर्शी जो प्रक्रिया स्थापित किए हैं, और यहाँ पे हाथी मृत्यु लेखा यहाँ पे भी जो कि हाथी की मृत्यु भी एक यहाँ पे पंजीकरण बुक भी बनाया जाएगा जिसमें हाथियों की जानकारी भी मिलेगी, तो इसलिए मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा भी पेश किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई, एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है, श्री आर एन रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसको 17 नवंबर 2022 को पेरिस में लेस इन्वेलिड्स गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो मनोज पांडे, दीपक पांडे, संजय पांडे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वो आपके जो मनोज पांडे है जो कि एक आर्मी चीफ हैं, इनको 17 नवंबर 2022 को पेरिस में जो कि पेरिस की बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है, तो पेरिस में लेस इन्वेलिड्स गार्ड ऑफ ऑनर इनको मिला है। तो याद रखिए मनोज पांडे जो कि आपके आर्मी चीफ हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने परिवार नियोजन के नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है? तो चीन, भारत, जापान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो कि परिवार नियोजन के नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 का जो कि करने वाला जो एकमात्र जो देश बना है हमारा भारत बना है, तो ये आपके परिवार नियोजन के नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 जो कि हमारे भारत को एकमात्र जो कि प्राप्त करने वाला देश बन गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जिसका बी ऑप्शन भारत सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ATP जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग में नंबर वन स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कार्लोस अलकराज, लेटन हैविट, पीट सम्प्रास, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, स्पोर्ट्स क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हाल ही में ATP जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, तो टेनिस खिलाड़ी हैं कार्लोस अलकराज जी, तो इनको रैंकिंग में नंबर वन स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के, तो याद रखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे कम उम्र के भी कार्लोस अलकराज जो कि खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखिए टेनिस में इनको जो से प्रथम इनाम के साथ ही साथ कम उम्र के जो कि खिलाड़ी बने हैं आपके कार्लोस अलकराज, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किसको समवर्ती रूप से कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे, बंडारू विल्सन बाबू, या संजय पांडे, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू जिनको समवर्ती रूप से कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत इनको नियुक्त किया है, तो बंडारू विल्सन बाबू को कोमोरोस में जो कि भारत का अगला राजदूत इनको नियुक्त किया गया है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कैबरिन डिक्शनरी के किस वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, तो लॉकडाउन, कोरोना, होमर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपका जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार आपका जो होमर जो वर्ड है इसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो याद रखिए होमर। तो यहाँ पर बात करें तो इसको होमर जो डिक्शनरी के अनुसार
जो कि सबसे ज़्यादा सर्च कर 2022 में सर्च करने यहाँ पे, तो इसको जो 2022 में जो कि सबसे ज़्यादा सर्च करने कारण इसे जो कि वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2022 के लिए। यहाँ पे लगभग जो कि 80,000 के लगभग जो कि यहाँ पे इसको सर्च किया गया है, और यहाँ पे 65,401 जो कि लोगों ने यहाँ पे सर्च किया है, और 80,000 लगभग टाइम्स इतने बार आपको जो कि होमर शब्दों को यहाँ पे जो कि सर्च किया है। इस कारण इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी के जो होमर शब्द को यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो कि 2022 के लिए घोषित किया है। लगभग इसको 65,000 के लगभग इसको सर्च किया इस वर्ड को, जिसका होमर जो इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है डाक का कबूतर होता है, जिसको वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए घोषित किया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इसको मैं टेलीग्राम में अपने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक को, जाकर टेलीग्राम से आप इसका करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली, गोवा, मुंबई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपके गोवा राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा जो कि 9 दिनों तक यहाँ चलेगा, 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जिसका अभी उद्घाटन गोवा में किया है। गोवा की बात करें, यहाँ की राजधानी है पड़े और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको 2022 के लिए IFFI इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड इनको सम्मानित किया? तो सलमान खान, शाहरुख खान, चिरंजीवी, कोनिदेला या डी है इनमें से कोई नहीं। तो चिरंजीवी को सभी को जानते हैं, साउथ के जाने माने एक्टर हैं, तो इनको हाल ही में 2022 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इनको सम्मानित किया है चिरंजीवी को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तो इनको पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड इनको सम्मानित किया है 2022 के लिए, याद रखिएगा, चिरंजीवी कोनिदेला को। तो साउथ के जाने माने एक्टर है, सभी जानते होंगे इनको, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुदान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सर्वानंद सोनोवाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके हाल ही में जो सर्वानंद सोनोवाल जो कि असम के पहले मुख्यमंत्री थे, जो कि अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, तो सर्वानंद सोनोवाल जो कि इनको जो कि सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान का उद्घाटन इन्होंने किया, याद रखिएगा, अनुसंधान संस्थान के इनको इन्होंने उद्घाटन किया है सर्वानंद सोनोवाल जी ने, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 2021 के शांति निस्तरीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए किस गैर सरकारी संगठन को प्रदान किया है? तो प्रथम, प्रेरणा, प्रयास या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 2021 में शांति निस्तरीकरण विकास के लिए जो आपका इंदिरा गांधी जो पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले आपका जो प्रथम जो कि एक गैर सरकारी संगठन है इसको प्रदान किया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, तो इस जो प्रथम आपको जो एक गैर सरकारी संगठन है, तो इनको शांति निस्तरीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए आपको जो प्रथम एक गैर सरकारी संगठन इसको प्रदान किया गया है, तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।